हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? इस जर्नी पे इतने आगे आने के बाद एक पड़ाव ऐसा भी आता है कि आप इतने आगे आने के बाद भी कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक जाते हैं। न जाने क्यों उन्हें विश्वास नहीं होता, अपनी जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर किसी सोलमेट को चूज कर लेते हैं। तो मैं एक लाइन आज पहले बोलूँगी, इट इज़ नॉट वॉट You want to attract. You attract what you believe to be true. तो अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप इस जर्नी पे हैं और आपका काउंटर ट्विन आपकी ही आत्मा का आधा हिस्सा है और इस यकीन पे यकीन करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इतने आगे आ जाते हो, आप बैलेंस भी हो जाते हो बट अपने मार्ग को खो देते हो। ठीक है, होता क्या है कि हमारे दो दिमाग हमारे काम करते हैं, एक हमारी आत्मा और एक हमारा मन। और अक्सर ऐसा होता है कि मन और आत्मा पे जब कहते हैं ना मन हावी हो जाता है या हमारा दिमाग हावी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जर्नी पे आगे तो आ जाते हैं, बैलेंस भी हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी के वाइज, क्योंकि वहाँ पर अभी बैलेंसिंग पूरी नहीं हुई है, तो हम वो अट्रैक्ट करते हैं जिस एनर्जी में हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं। तो हमें लगता है कि वो इंसान बिल्कुल हमारे जैसा ही है, ये भी तो सेम है, यहाँ भी तो हम लोग की सोच मिलती है, हम लोग की शौक मिलते हैं, क्योंकि इस जिस एनर्जी पे आप आ गए हो डेफिनेटली आप अपग्रेड हुए हो, तो आपने एक सोलमेट अट्रैक्ट तो किया है, बट आप उस एनर्जी पे नहीं आए जहाँ आप ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ वो एनर्जी होती है जहाँ पूरा यकीन होता है अपने काउंटर पार्ट पे, पूरा भरोसा होता है भगवान पे कि भगवान कभी चीट नहीं कर सकता, और पूरी फीलिंग होती है हमारी, अनकंडीशनल लव होता है हमारे डीएम के लिए, जहाँ पर ये भी नहीं है कि वो जब आएगा तो ही मैं प्यार करूँगी या वो नहीं आएगा तो मैं प्यार नहीं करूँगी या मेरी उम्र क्या हो गई है या मैं शायद उसे डिज़र्व नहीं करती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा थिक हूँ या मैं बहुत ज़्यादा थिन हूँ या मैं उसके लायक नहीं हूँ। इन सब सोच से परे होता है ये प्यार, क्योंकि प्यार को सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप मेरी बात अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं तो चलिए आगे डीएफ को सुनते हैं। और जो लोग इस गलती को कर रहे हैं या अपने मार्ग से थोड़ा भटक रहे हैं, प्लीज़ ये एंड तक वीडियो सुनिए, डीएफ को ब्लेस कीजिए और अपनी जर्नी आप सब पूरी कीजिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो थ्रू दिस ऑडियो आई वॉन्ट टू शेयर सम ऑफ माई लेसन फ्रॉम दिस जर्नी एंड हाउ मैम सेव्ड मी रिसेंटली टू मूव ऑन रॉन्ग डायरेक्शन। एज ऑलवेज जैसे मैम अपनी वीडियोस से भी करती हैं हम सबको, तो मुझे अभी लकीली इक्विनॉक्स वाले दिन मैम से अर्जेंट सेशन मिल गया, और सेशन स्टार्ट होते ही मैम जान गई कि मेरी एनर्जी लीक हो रही थी, पर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग सेंस नहीं था कि मेरी एनर्जी लीक हो रही थी। देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग ओवर माई जर्नी। तो मेरे डीएम से यूनियन मैम के वीडियोस आने से पहले ही हो गया था, यानी कि 2020 में अक्टूबर में फिज़िकल यूनियन, मतलब हम एक्चुअली में फिज़िकली मिल भी लिए थे, हमारी 6-7 महीने पहले ही बात शुरू हुई थी। वो सब जो बबल फेस होता है, कुंडलिनी ट्रिगर होती है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है आपके डीएम के आने से बहुत शूट अप हो जाती है ना, वो सब पहले ही हो गया था मेरे साथ, मतलब मैम के वीडियोस आने से पहले ही। बट आई वॉज़न्ट अवेयर ऑफ ट्विन फ्लेम डायनामिक्स, आई वॉज़न्ट अवेयर ऑफ एनी थिंग जो इस जर्नी में करना ज़रूरी होती है, जो अब मुझे आकर 1 साल के इनर वर्क करने के बाद जो मुझे मैम के वीडियोस सुन सुन के पता चली हैं, जैसे कि कर्मा रिलीज, एंसेस्ट्रल हीलिंग और मेन थिंग प्रोटेक्शन पार्ट।
तो एज़ यूजुअल मेरा मेरे DM, क्योंकि मैं कुछ इनर वर्क नहीं कर रही थी, मैं रेगुलर मेडिटेशन करती थी बट मैं इनर वर्क करना पड़ता है कुछ ऐसा, मैं अवेयर नहीं थी उस टाइम पे, तो मेरे DM किसी और रिलेशनशिप में चले गए और उनकी शादी भी हो गई एंड आई लेट हिम गो वेरी ईजिली एंड इवन ही लेट मी गो वेरी ईजिली। तो मैंने उनसे बिल्कुल टोटली सब कॉन्टैक्ट बंद कर दिया, मतलब बिल्कुल सोशल मीडिया पे भी, व्हाट्सएप पे भी, उनका नंबर भी डिलीट कर दिया, सब कुछ। मतलब विद ऑन अ गुड नोट वी हैप्पीली मूव आउट फ्रॉम दैट थिंग। देन इस सेपरेशन फेज में मैडम के वीडियोस सामने आने लगे और धीरे धीरे मुझे TF डायनामिक्स, मिररिंग और इनर वर्क का पता चला। बट स्टिल आउट ऑफ ईगो अनअवेयरनेस मैं बस सुनती थी, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करती थी, समझती थी। बट मैंने मैम का चैनल तब भी सब्सक्राइब नहीं किया, ना मैं वो फॉलो कर पाती थी। मैं अपना वही रेगुलर मेडिटेशन ही करती थी, अपनी प्रेयर्स वगैरह वो सब करती थी, क्योंकि अंदर से गुस्सा था अभी भी बहुत मुझे DM को लेकर, कि इतना आगे आने के बाद, इतना अच्छा मिरेकुलस एक्सपीरियंसेस के बाद, है ना, कोई कैसे दूसरे रिलेशनशिप में जाने का सोच सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में भरी थी, मतलब कुछ अबेंडन इशू से गुज़र रही थी, है ना। और इसी टाइम ड्यूरिंग सेपरेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन भी आए, डेवलप हुआ, बिकॉज फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि क्योंकि DF की जर्नी जो होती है इस DF की ग्रोथ जो होती है इस जर्नी में DM से पहले होती है, तो मेरे भी वाइब्रेशन से मैच करता हुआ उस टाइम पे एक सोल कनेक्शन अट्रैक्ट हुआ। उस कनेक्शन ने मेरे शैडो साइड को सरफेस पे लाए, वो शैडो जो मैं शायद कभी एक्सेप्ट नहीं करती अगर मैं DM के साथ सेपरेशन में नहीं आ पाती। तो जब आप अपनी वाइब्रेशन, यू नो, अपने ऊपर काम करके अपनी वाइब्रेशंस वाले मैच को अट्रैक्ट करते हो ना, मतलब ये बात DF को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस तरह के ट्रैप में ज़्यादातर हम ही लोग आते हैं। तो सेम वाइब्रेशन मैच को अट्रैक्ट करते हुए ना, उसकी इंटेंसिटी भी बहुत हाई होती है, ठीक है, क्योंकि आप भी अच्छे वाइब्रेशन लेवल पे हो, वो भी अच्छे वाइब्रेशन लेवल पे है, ठीक है। यू मे एक्सपीरियंस सेम सिंक्रोनिसिटीज दैट टाइम टू, ड्रीम्स में आना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पुल होना इंटिमेसी के लिए, है ना, फिर से एक बबल फेस एक्सपीरियंस करना। तो उस टाइम खुद को बैलेंस रखना सच में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप DM से तो सेपरेशन फेज पे हो और आपको कोई उस टाइम पे मैम जैसे कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, या आप है भी तो आप उनको सीरियस नहीं ले रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो कि डिवाइन ही आपको ये मैसेज दिलवा रहा है, है ना। तो आप क्या वापस से उस माया में फंस जाते हो और अपनी जर्नी में अटक जाते हो, या फिर आप डाउट करने लगते हो कि वो पहले वाला मेरा DM था या नहीं था, या क्योंकि अब से एक सोल कनेक्शन अट्रैक्ट हुआ। उस कनेक्शन ने मेरे शैडो साइड को सरफेस पे लाए, वो शैडो जो मैं शायद कभी एक्सेप्ट नहीं करती अगर मैं DM के साथ सेपरेशन में नहीं आ पाती। तो जब आप अपनी वाइब्रेशन, यू नो, अपने ऊपर काम करके अपनी वाइब्रेशंस वाले मैच को अट्रैक्ट करते हो ना, मतलब ये बात DF को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस तरह के ट्रैप में ज़्यादातर हम ही लोग आते हैं। तो सेम वाइब्रेशन मैच को अट्रैक्ट करते हुए ना, उसकी इंटेंसिटी भी बहुत हाई होती है, ठीक है, क्योंकि आप भी अच्छे वाइब्रेशन लेवल पे हो, वो भी अच्छे वाइब्रेशन लेवल पे है, ठीक है। यू मे एक्सपीरियंस सेम सिंक्रोनिसिटीज दैट टाइम टू, ड्रीम्स में आना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पुल होना इंटिमेसी के लिए, है ना, फिर से एक बबल फेस एक्सपीरियंस करना। तो उस टाइम खुद को बैलेंस रखना सच में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप DM से तो सेपरेशन फेज पे हो और आपको
कोई उस टाइम पे मैम जैसे कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, या आप है भी तो आप उनको सीरियस नहीं ले रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो कि डिवाइन ही आपको ये मैसेज दिलवा रहा है ना, तो आप क्या वापस से उस माया में फंस जाते हो और अपनी जर्नी में अटक जाते हो, या फिर आप डाउट करने लगते हो कि वो पहले वाला मेरा डीएम था या नहीं था, या क्योंकि अब सेम वाइब्रेशन पे तो हमें एक नया सोलमेट मिल गया ना। तो लास्ट ईयर व्हेन आई वाज फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट, मैंने मैम से इनोवा लिया और स्टार्ट किया। फिर डीएम के टेक्स्ट आने लगे, हाय हेलो, हमारी सिर्फ इतनी चैट होती है क्योंकि आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ही इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया, तो एक लैंग्वेज बैरियर हमेशा बना होता है, एक कम्युनिकेशन बैरियर। तो आई स्टार्ट कमिंग इन टू बैलेंस स्टेट। डीएम की साइड से 3D में ज़्यादा चेंज नहीं था, 5D में मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती थी और वो एक्सपीरियंस मैंने उस टाइम पे मैम से भी शेयर किए हैं। तो ही वॉज़ एक्सेप्टिंग बट खुल कर बात नहीं करते थे, तो बहुत ही लिमिटेड बात हुई है हमारी शुरू से ही, फ़ोन पे बहुत ही कम बात होती थी हमारी। और ये हम दोनों को ही सही लगता था क्योंकि शायद हम दोनों ही थोड़े रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट टाइप के थे, तो हमें एक्सपीरियंस करना ज़्यादा अच्छा लगता था, बातें हमारी कम होती थी। देन मैम से वन ऑन वन काउंसलिंग लेना शुरू किया समझने के लिए कि मैंने कहाँ गलतियाँ कर रही थी। देन आई ऑल्सो टुक एडवांस प्रोग्राम, मैम ने सजेस्ट किया कि अब तुम्हें मरकबा और ये सब चीज़ें ले लेनी चाहिए, तो आई डू टेक स्टार्टेड दोज प्रोग्राम ऑल्सो। फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते कभी कभी अप एंड डाउन मैं जल्दी जल्दी काउंसलिंग नहीं ले पाती थी, बट मैम की वीडियो से ही काफ़ी हेल्प मुझे हो जाती थी। सोलमेट का ऑन ऑफ चल रहा था, DM लापता थे और हस्बैंड बहुत स्वीट हो गए थे, तो बहुत कंफ्यूजन से जूझ रही थी मैं भी कुछ टाइम से, एक दो हफ्ते से। फिर दो तीन दिन पहले मैम का वन सोल इन टू बॉडीज़ वाला वीडियो मेरे सामने आया, जिसने मुझे मैम से सेशन लेने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि अब मैं सोचने समझने की शक्ति मेरी जा रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो सोलमेट कनेक्शन जो मुझे मिला था उससे दो बारी सोल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी मैं पूरी तरह से उसकी एनर्जी से बाहर नहीं थी। तो मैंने मैम से यही सब डिस्कस करने के लिए सेशन मिला और लकीली मुझे अर्जेंट सेशन मिल भी गया। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग, मैंने तो मैम से ऐसे ही पूछ लिया था कि अर्जेंट सेशन मिलेगा क्या, तो मैम मुझे सेम ही डे का सेशन मिल गया क्योंकि मैम के पास अगले एक महीने तक का टाइम नहीं था। फिर तो आई डिस्कस्ड ऑल विद हर। फर्स्ट तो शी रीड द एनर्जीज ऑफ माई DM, सो आई डिस्कस्ड ऑल विद हर, शी रीड द एनर्जीज ऑफ माई DM एंड शी वॉज एब्सोल्युटली राइट दैट ही वॉज़न्ट डूइंग वेल, फिजिकली भी फाइनेंशली भी, और उसका फैमिली इश्यूज़ भी चल रहे हैं। तो मुझे कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ हिंट दिया था बट कुछ अच्छे से बताया नहीं और ही अगेन लापता। तो हमारे सेशन में मैम ने मुझे मेरी गलतियाँ बताई और बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा कि मेरी एनर्जी लीक हो रही है। तो फर्स्ट आफ्टर द सेशन फर्स्ट फ्यू आवर्स तो मैं मैम की सारी बातें रिकॉल कर रही थी एंड आई वॉज जजिंग मैम अ लॉट कि मुझे मैम ने कुछ क्या नया बताया, ये सब तो मेरी गलतियाँ मुझे पता ही है बिकॉज अब मोर देन ईयर हो गया था उनके चैनल के साथ जुड़े हुए और इनर वर्क भी कर रही थी मैं। और एनर्जी लीक इशू का मुझे थोड़ा पहले डाइजेस्ट नहीं हुई चीज़, क्योंकि मैं तो अब किसी से भी टच में नहीं थी है ना, और मैंने सबसे एक एक करके सोल कॉन्ट्रैक्ट भी एंड कर लिया, ना कोई मेरा दोस्त है, ना मेल ना कोई फीमेल फ्रेंड, तो सिर्फ जो अपना काम कर रही हूँ और फैमिली पे ही फोकस कर रही थी। बल्कि अभी तो मैं अपनी TF जर्नी पे भी बैलेंस्ड हूँ, आई डोंट फील एनी मिसिंग थिंग और गेट इम्पेशेंट अगर उनका एक दो हफ्ते बात ना हो तो, टेक्स्ट भी ना आए तो। बट शाम को जैसे मैम वीडियोस में सजेस्ट कर रही थी कि आजकल हमें DM DF बैलेंसिंग मेडिटेशन ज़रूर करना है,
तो शाम को जब मैं DMDF बैलेंस मेडिटेशन के लिए बैठी और वो जब एनर्जी फ्लो होता है और उसके बाद मुझे वो एनर्जी जब हार्ट तक पहुंची तो मेरा एकदम से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना छूट गया। मैं कोई इमोशनल नहीं फील कर रही थी, पता नहीं वो एनर्जी मेरे हार्ट सेंटर तक पहुंची और आई स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट। तो आई वॉज क्राइंग, मैंने ऐसे रोते रोते ही अपना मेडिटेशन पूरा किया। तो देन व्हेन आई गेट कॉन्शियस, मैं वापस से थोड़ा उस फेज के बाद होश में आई और धीरे धीरे मुझे कुछ रियलाइजेशन होने लगे मैडम के सेशन से रिलेटेड। जैसे मैं अननेसेसरी किसी को कनेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, मतलब आई वॉज ऑब्जर्विंग माई सेल्फ, बट पुराने लोग में भी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सब आप पर नज़र रखे होते हैं, है ना, क्योंकि DF की वाइब्रेशन हाई होने के बाद वो बहुत सारी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, ठीक है, वो एकदम मैग्नेटिक हो जाती है, राइट, आप सब समझ रहे होगे मेरी बात को, है ना। DF के मन में बेशक कुछ ना हो, राइट, हमारे मन में किसी को लेकर वैसा भाव नहीं होता क्योंकि हम धीरे धीरे अपने क्लियरिंग करना शुरू कर देते हैं ना, क्लेंज होने लग जाती हैं चीज़ें, बट आपकी एनर्जीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं विदाउट इवन टेलिंग यू, ठीक है, आपको पता भी नहीं होता, राइट। सो देयर कम द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो मेंटेनिंग बाउंड्रीज, है ना। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं किसी से कनेक्ट नहीं हो रही, ठीक है, मैं किसी से अननेसेसरी बात नहीं कर रही, मैं अपने छोटे छोटे सोल पर्पसेस पे बिज़ी हूँ अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि अब चीज़ें मेरी फैमिली में भी बैलेंस हैं, ठीक है, बट मेरी एनर्जी लीक वहाँ हो रही है जहाँ मैंने अपनी एनर्जी को लूज छोड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने उनके बारे में सोचना तो बंद कर दिया है, उनके बारे में परवाह करना भी बंद कर दिया, पर मैंने एक बैरियर नहीं लगाया, मैंने एक प्रोटेक्शन नहीं लगाया, मैंने एक बाउंड्रीज नहीं लगाई वहाँ पे। तो रात को ही मैंने उस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना शुरू किया अपने, जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई, हु कैन रियली वॉच माई पोस्ट और वीडियोस और व्हाट एवर वर्क आई एम डूइंग, राइट। सो ड्यूरिंग दिस न्यू मून आई हैव डिसाइडेड कि मैं बहुत ही अपनी एनर्जेटिक बाउंड्रीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने वाली हूँ, ठीक है, एंड विल नॉट गोइंग टू अवॉइड प्रोटेक्शन इवन अ सिंगल डे, है ना। अगर ये लास्ट सेशन इस टाइम पे नहीं मिलता तो शायद मैं रॉन्ग डायरेक्शन पे चली जाती ये सोच कर कि जस्ट गो विद द फ्लो। Yes, we must go with the flow, but only when we are not repeating the same mistakes. अगर हम सेम मिस्टेक्स पे, सेम lessons पे ही, यू नो, सर्कल की तरह गोल गोल घूमते रह जाएंगे। तो आफ्टर दिस लास्ट सेशन जो अभी 20th को ही हुआ है, कल ही हुआ है, आई केम टू रियलाइज कि ट्विन फ्लेम्स के लिए मैडम से अच्छा कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता, एंड अगर मैम ना होती तो हम शायद भटक रहे होते, अपने घरों में बवाल कर चुके होते, है ना, या फिर भाग जाते कहीं, या फिर पता नहीं, कुछ भी अनाप शनाप हो सकता था हमारी लाइफ के साथ, है ना। तो और मैम, आई ऑल्सो वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर द बार्गेनिंग पार्ट, इट वॉज जस्ट एन नो इंस्टेंट इमेच्योर थिंग, बट देर वॉज नो इंटेंशन टू डिसरेस्पेक्ट योर एनर्जीज, आई एम सो सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। बस एट लास्ट आई एम सो हैप्पी एंड इन सो मच पीस आफ्टर सच रियलाइजेशन, और मैं स्टिल काम कर रही हूँ अपने आप को एक प्योर सोल बनाने के लिए, मैम की तरह, बाकी सोल सिस्टर्स की तरह, ब्रदर्स की तरह, एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स मैम, और आप सबकी भी जो भी ये सुन रहे हैं, एंड ऑल्सो प्लीज़ आई प्रे
एंड प्लीज़ यू ऑल्सो प्रे एंड सेंड ब्लेसिंग्स टू माई DM सो दैट ही कुड कम आउट फ्रॉम दिस टफ टाइम एज एन एम्परर. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे.